साईयो। अगर वो शिरडी में आया होता तो उसको हम ढूंढते भी। जब वो इस गांव में ही नहीं आया तो उसे इस पूरे संसार में ढूंढे तो ढूंढे कहां। अकल मारी गई थी मेरी तो सरकार को उस दासगनु के बारे में बताया। यार कहार मिले मेरी दुनिया। सरकार, सरकार, अरे क्यों गला फाड़ कर आ गए? देख नहीं रहे हो मैं रियाज कर रहा हूँ? माफ कीजिएगा सरकार, लेकिन आज एक बहुत ही अजीब बात हुई है। हरिओम हरिओम, कहीं वो लड़की लौट के तो नहीं आ गई? नहीं नहीं सरकार, असल में बात ये है कि उस फकीर का चेला कीर्तनकार दास गनु, उसे हमारे मजदूरों ने खेत से लौटते समय शिरडी के ओर आते हुए देखा। हाँ सरकार। अरे उसमें क्या है, वो फकीर से मिलने आया होगा। वही तो बात है ना सरकार, वो शिरडी के बाहर तक तो आया लेकिन शिरडी के अंदर दाखिल नहीं हुआ। ये अजीब बात नहीं है, वो उस फकीर को मिले बिना कैसे जा सकता है? ये तभी संभव है जब दास गनु ये जानता है कि वो फकीर शिरडी में नहीं है। इसका अर्थ मेरा संदेह सही निकला। फकीर शिरडी से बाहर ही छुपा है कहीं, और दास गनु उसे ही मिलने आया है। हो ना हो, वो दोनों जानते हैं कि लड़की कहाँ है। तो हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? दासगनु को ढूंढो। दासगनु मिल गया तो फकीर मिल जाएगा, और फकीर मिल गया तो लड़की मिल जाएगी। यदि हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसे जेल भेजने से गांव की पूरी जनता मुझे रोक नहीं पाएगी। हरिओम। चार कहार मिले मेरी दुनिया सजा दे। सरकार तो ठहरे खड़ूसों के सरदार। अगर मैंने उस दास गनु को ढूंढा नहीं तो सरकार मुझे वाड़े में घुसने नहीं देंगे, और उस दास गनु को ढूंढने के चक्कर में मेरी हालत इतनी खराब हो गई है, अगर एक कदम भी और चला तो मैं सूख के तिनका हो जाऊंगा। ये शिरडी में आ गया, लगता है खंडर जा रहा है। तो इसका मतलब वो फकीर भी शिरडी में वापस आ गया। इशा करता हूं इसका, वो फकीर जहां कहीं भी हो मुझे उस तक यही पहुंचाएगा। आश्चर्य है, साई ने मुझे यहां बुलाया और वो ही यहां नहीं है। क्या मतलब हो सकता है इसका? अब उसने तुम्हें बुलाया है तो कोई तो वजह जरूर होगी। शायद वो चाहता हो कि इसका पता तुम खुद लगाओ। अब साई का तरीका तो तुम जानते हो कितना अलग होता है। ठीक है, तो जब तक वजह सामने नहीं आती मैं यहीं रहूंगा। साई की मर्जी से ऊपर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जलपान का प्रबंध करती हूं। ठीक। चक्कर क्या है? सरकार ने तो कहा था कि ये दास गनु फकीर से मिलने गया होगा, लेकिन ये अब तक उस फकीर से मिला ही नहीं। फकीर ने इसे बुलाया और खुद गायब हो गया।
क्या मुझे ये खबर सरकार को देनी चाहिए? जब इस फकीर के चाहने वाले खुद उसे नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं क्या खाक इसे ढूंढूंगा? मेरी भलाई तो इसी में है कि मैं चुपचाप अपनी जासूसी करता रहूं। मुझे विश्वास है कि यह फकीर जल्द ही कोई चाल चलेगा। आना होगा साईं तुमको चाहे किसी भेष, आना होगा साईं तुम हो चाहे किसी देश, तुम्हारे बिना मैं तो जाने कहाँ खोई हूँ, मैं न जानू जागे कब मैं जाने कब मैं सोई हूँ, दिशा दशा जो भी मेरी तुम उसे थाम लो, मुझको पुकारो तुम भी अब मेरा नाम लो, राम साई राम ओम साई राम, राम साई राम ओम साई राम। वाह, बहुत ही सुंदर रचना है, तुम्हारी है? नहीं भाई साहब, कब, मेरी नहीं है। शिरडी से थोड़ी दूर एक बच्ची मिली थी, ये उसी की रचना है। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, मैंने तो साई का 100 बार प्रकट किया कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और उनकी बदौलत मैं उस बच्ची से मिल पाया। ऐसी ही एक होनहार बच्ची शिरडी में भी है, साई का आशीर्वाद है उसे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि बेचारी अपना घर छोड़कर चली गई। ताजगनो, कहीं तुम्हें वो ही लड़की तो नहीं? भाई साहब, मैं जिस बच्ची से मिला था वो तो एक घर में थी, अपने बड़े भाई के साथ थी। का वो जो बच्ची आप बता रहे थे वो दिखने में कैसी थी? वो लगभग 12 साल की थी, गोरी गोरी थी, उसकी आंखें भूरी हैं, बहुत प्यारी बच्ची है, साई को भी प्रिय है, साई अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है, मुझे यकीन है वो गायत्री को भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे पता है साई उस बच्ची को अपना घर छोड़ने के लिए कभी नहीं कहेगा। अगर मजबूरी में गायत्री ने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है तो भी साई किसी न किसी तरह उसके साथ ही होगा। हम सब
एक ही मालिक के बंदे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी एक दूसरे से मिल चुके हैं। ये लड़की बेशक एक हीरा है, पर इसे जरूरत है एक तराशने वाले जौहरी की, एक सिद्ध हस्त गुरु की, और मैं चाहता हूं कि आप वो गुरु बने। साई, मैं ही नादान था जो आपका इशारा समझ नहीं पाया, पर अब मुझे समझ में आ गया कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया। आपका हुक्म सर आंखों पर। भाई साहब का मुझे अभी जाना होगा। लेकिन ऐसे खाना छोड़ के मत जाओ, अभी कुछ ही समय में रात हो जाएगी, खाकर जाओ। ठीक है। ऐसा लगता है कि इसे पता चल गया है कि वो फकीर कहाँ है। हो ना हो, ये उस फकीर से मिलने के लिए जरूर जाएगा। और अगर इसे फकीर मिला तो मुझे इनाम मिल जाएगा। आप रहने दीजिए दादा, आजी कहती है कि भाकरी बनाना लड़कियों का काम है, और उन्होंने कान उमेट उमेट के मुझे भाकरी बनाना सिखाया है, मैं बना लूंगी। अच्छा हुआ तुम्हारी आजी मेरे आजी से नहीं मिली, नहीं तो मैं भाकरी बनाना नहीं सीखता और यहाँ अकेले भूखा मर जाता। रहने दीजिए दादा, मैं बना लूंगी। वैसे चूल्हा चौका पसंद नहीं मुझे, लेकिन आपने मेरी मदद की है तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। मदद किसी अपेक्षा से करो या बदले में कुछ ले लो, तो वो मदद कहाँ हुई। मैं बना लूंगा, मुझे आदत भी है और इस वक्त जरूरत भी। दादा भाकरी जल रही है। जलने दो, ये भाकरी अग्नि देवता को समर्पित, वो हमारी मदद करे। धुआ ये कहां से आ गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
कहां भाग गया वो? अब उसे कैसे ढूंढे? अभी वक्त नहीं आया कि तुम हम तक पहुंचो। जब वक्त आएगा राम जी खुद तुम्हें यहाँ ले आएंगे। सच में अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप अब तक जिंदा कैसे हैं? कभी भाकरी जला देते तो कभी खुद से बड़बड़ाते हैं। चलिए अब भाकरी मैं बनाऊंगी। मैं बना लूंगा। नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैंने कह दिया सो कह दिया, भाकरी मैं बनाऊंगी। ठीक है, तुम बना। चिंता के मारे घर में चूल्हा जला होगा भी या नहीं। पता चला? कुलकर्णी सरकार ने बताया कि उन्होंने आसपास के सभी गांव में ढूंढवाया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्यों बना रही हो ये? ये खाना हमारे हलक से उतरेगा क्या? हमारे घर से निवाला ना भी उतरे, लेकिन घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें तो चाहिए ना। उमा, तुम्हारी तो लाडली बेटी है ना। हम सब में सबसे ज्यादा तुम उसे समझती हो। बताओ ना, क्या उसे हमारी याद नहीं आ रही होगी? क्या हुआ बेटी? अच्छे उद्देश्य के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था दादा, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। भाई, बाबा, आजी, दामू, मोरू, बहुत याद आ रही है सबकी। वो सब कितने परेशान हो गए मेरे लिए, उन सबको तकलीफ दी है मैंने। कैसे होंगे वो मेरी चिंता में? ईश्वर को सबकी चिंता, तुम सब कुछ उन पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। ताई, मेरे लिए तो आप ही ईश्वर समान हैं। मैं उनके साथ रहूं ना रहूं, लेकिन आप हमेशा उनके साथ रहना, उन्हें संभालना। मन में आशा के दीपक बुझने न पाए साईं साईं। हमारी बच्ची बुरी नहीं है, वह हमसे उतना ही प्यार करती है जितना हम उससे करते हैं। तो क्यों छोड़कर चली गई हमें? उसके सपने अलग थे, जरूरतें अलग थी, उसका लक्ष्य भी अलग था, जो शायद हम समझ नहीं पाए। उमा, फिर वही बात, तुम क्यों नहीं समझती? हम समाज से बढ़कर नहीं है, समाज के बारे में हमें सोचना होगा। वहिनी, खाना बना? लगभग बन ही गया। इस समाज के बारे में आप सोच रहे हैं, हमको दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
हलक से निवाला नहीं उतर रहा। बेचारे दामू मोरू तक भूखे पेट सो गए और इन्हें सिर्फ अपने खाने की पड़ी है। शाम से 3 बार पूछ चुके हैं खाना कब बन रहा है। और ये समाज के बारे में आप सोच रहे हैं? आप अभी भी अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा इस समाज को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। शायद इसीलिए वो चली गई। मैं घर से भाग तो आई दादा, लेकिन समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या लिखा है मेरे भाग्य में। कहाँ जाना है, क्या करना है, बस समय निकला जा रहा है। घर वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। जिसके लिए मैंने घर छोड़ा था वो जरूर होगा गायत्री, तुम्हारा मसीहा आ गया है। बेटी, मुझे समझ में आ गया है कि साई ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुम्हारा गुरु बनने मैं तुम्हारा गुरु पद स्वीकार करता हूं। कल सुबह से ही तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। सुखी रहो। कपिला के चारे का वक्त हो गया ना, मैं उसे चारा देके आती हूँ। आप यहाँ गुरु के पद पे आए हैं और गुरु को किसी के पैर छूना शोभा नहीं देता। गुरु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने गुरु के लिए शिष्य ही रहता है। साई, मैं नहीं जानता आपके इस रूप धारण करने का कारण क्या है। बस मैंने आपको पहचान लिया। मेरे लिए इतना ही काफी कि आप मेरे साथ हैं और इस पुण्य कर्म के लिए आपने मुझे चुना। अब हम उस बच्ची को उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। अल्लाह मालिक।